Narayan, 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 Narayan. Anand Rasratnakar, 30 अक्टूबर का पृष्ठ, चूंकि महीने का अंत है इसलिए वेदांत का ही प्रसंग है। जीवन मुक्ति विवेक 355, 356, 357। तो वहाँ जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ में ब्रह्मजी महाराज की ये बात हमने जो आज के पृष्ठ में ली है, 30 अक्टूबर के पृष्ठ में, तो इसमें मुख्य बात महाराज जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि मान्यताएं जो है हम लोगों की वो बदलती रहती है। तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहाँ कि भाई विराम लग जाए। तो वो विराम कब लगेगा तो वो बताएंगे। जब तक आप परिपक्व ज्ञान दृष्टि में, जिससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है, तो परिपक्व ज्ञान दृष्टि जब तक नहीं हो जाती तब तक हम देखेंगे कि मान्यताएं बदलती जाती हैं। तो परिपक्व ज्ञान दृष्टि, चूँकि जीवन मुक्ति विवेक में महर्षि को समझानी है, उसी संदर्भ में जो प्रैक्टिकल बात है, यानी हम लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं, तो वो बहुत काम की चीज़ है। क्या अपनी मान्यता को दूसरे के सिर पर नहीं लादना चाहिए। तो जैसे 29 अक्टूबर के पृष्ठ में कल कुत्ते की पूंछ पर टेढ़ी की टेढ़ी, तो वहाँ पर भी यही था कि महर्षि ने कहा कि भाई हमको ये बड़ा शौक था ना, हम अपने विचार के अनुसार जो बात ठीक समझते थे, कभी कभी बड़े बूढ़ों से भी कह देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक आश्चर्य की बात है कि ये कल का पृष्ठ और आज का पृष्ठ, यद्यपि वो 335 से 338 ग्रंथ तो एक ही है ना, और ये है 355 पे, तो मानो कि उसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि वहाँ तो महर्षि अपना संस्मरण सुना रहे हैं, है ना, कि कैसे। और ये बीच में जो पृष्ठ आया है उसमें अपना कोई संस्मरण तो नहीं है, पर एक बहुत काम की प्रैक्टिकल बात हम सब लोगों को बताने जा रहे हैं। और इसका जो अगला पृष्ठ है, मतलब 31 अक्टूबर का, उसमें परमपुंज महर्षि फिर अपना एक संस्मरण सुनाएंगे, है ना, ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो आज परमपूज्य महर्षि ये बताने जा रहे हैं कि अपनी मान्यता को दूसरे के सिर पर नहीं लादना चाहिए। तो मान्यता हमारी है, ठीक है, और इस मान्यता से दूसरे को भी लाभ होगा, वो भी ठीक है, पर दूसरे के सिर पर लादना ये ज़रा बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? हम लोग अपनी धारणा को इतनी सच्ची समझते हैं कि क्या कहें। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा मानी हुई कितनी बातें एक एक करके छूटती गईं, आपको कैसे बतावें। हम बचपन में क्या क्या मानते थे और वे मान्यताएं कैसे कैसे मिटती गईं। महर्षि ने कहा कि अच्युत मुनि जी, बहुत बाद में हमको पता लगा, बहुत ही क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, तो ऐसे महात्मा के बारे में भी हमारी मान्यता, जब हमको पता लगा कि वे लाल मिर्च खाते हैं, है ना, हमको लगा कि वो काहे कि महात्मा है, तो हो ही नहीं सकते, मतलब ज्ञानी तो हो ही नहीं सकते जब लाल मिर्च खाते। महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पे एक दृष्टि से अपना, मतलब ऐसे कोई संस्मरण दिया नहीं है अलग से, पर अपने बारे में ही कह रहे हैं महाराज जी कि हम बचपन में क्या क्या मानते थे और वे मान्यताएं कैसे कैसे मिटती गईं। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी अपने जीवन में देखें और इसका अनुभव करें और इससे कुछ सीखें। तो इसलिए प्रथम पैराग्राफ में महाराज जी ने समझाया है कि हम लोग अपनी धारणा को इतनी सच्ची समझते हैं कि क्या कहें, और फिर दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला थोड़ा समझो कि हमसे ज़्यादा समझदार है, तो वो हम जो चीज़ अपनी बात कह रहे हैं और उसको बड़े आग्रह के साथ और बड़ी, मतलब उसको क्या कहना चाहिए कि अपनी जिद के साथ कह रहे हैं, तो वो तो उपेक्षा ही करेगा। तो जब वो उपेक्षा करेगा या ध्यान नहीं देगा या उसका खंडन कर देगा, तो उससे और दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि क्या कहें, क्या कहें, मतलब इसी से हम लोग दुखी हो जाते हैं। हम लोग अपनी धारणा को इतनी सच्ची समझते हैं,
अच्छा, हम जानते हैं कि हमारे द्वारा मानी हुई कितनी बातें एक एक करके छूटती गईं। तो अब ये अगले वाक्य में ये बता रहे हैं कि इस समय तुम क्यों दुखी हो रहे हो। इस धारणा को, जो भी धारणा तुम इस समय बनाए हुए हो, इसको इतना दृढ़ करके, और जब तुमको पता है कि पहले भी कितनी बार ऐसी ऐसी धारणाएँ हुई और छूट गईं, है ना, तो इसको आपको कैसे बतावें, कैसे बतावें, मतलब इसका बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा प्रकरण। और अभी जो कि हमको बात जो बतानी है जीवन मुक्ति विवेक में, बहुत ऊंची उच्च कोटि की बात बतानी है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं प्रवेश करना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपको कैसे बतावें। पर इतना ही आप समझ जाओ कि हम अपनी बात आपको बता देते हैं कि हम बचपन में क्या क्या मानते थे और वे मान्यताएँ कैसे कैसे मिटती गई। जब हम अपनी मान्यताओं के इतिहास पर ध्यान देते हैं तब सब बातें सामने आती हैं। परम पूज्य महाराज ने, अभी हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक जगह आया है, जब संतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे तो वहाँ मुकुलपुर के बाबा के पास जाते थे, तो रास्ते में गंगा किनारे जब जाते थे तो एक कोई काला सा व्यक्ति, मल्लाह था वो, और दाढ़ी वगैरह रखे, और बाद में बहुत सारी बातें उसके बारे में मालूम पड़ी कि वो गांव में तो जाता ही नहीं है, वहीं रहता है आम के बगीचे में, और अपना बंसी यानी वो जो कांटा होता है, ये लोग मतलब गंगा जी में ही मछलियां तो रहती हैं, तो उसे चार पांच मछलियां पकड़ ली और उसको बस वहीं आग जो है आम के बगीचे में सूखी जो डालियां वगैरह उनको जला लिया, उसी में मछली पका ली, पका के अपना पा लिया, बस रहता था, मस्त रहता था, आनंद। तो महाराष्ट्र को कुछ लगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो उन्होंने प्रणाम किया उसको, संतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, प्रणाम किया और है ना कहा कि ऐसे ऐसे आपका जीवन है, बड़ा दिव्य है। तो उसने फिर अपनी बात सब बताई, हालांकि वो मौन रहता था, पर महाराष्ट्र को बताया कि देखो हम बचपन से ही मल्लाह है, तो ये तो हम पा लेते हैं, हमारा भोजन रहा है, और बाकी हमको बस गंगा जी से ही भिक्षा मांग लेते हैं, और कहीं भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं, अपना पा लेते हैं और अपना आनंद में भजन करते हैं। तो महर्षि ने जब बाद में जस्वामी वगैरह का इधर संबंध बना संन्यास के बाद, या संतन बिहारी द्विवेदी के रूप में ही शायद जस्वामी मिल गए थे उनको, तो उस समय उन्होंने किसी प्रसंग में सुनाया जस्वामी को कि ऐसे ऐसे एक जीवन मुक्त महापुरुष हमको, मुकुलपुर के बाबा तो खैर थे ही, उनकी तो बड़ी ख्याति थी, पर ये मल्लाह जो मछली खा रहा है ना, वो जीवन मुक्त हो सकता है, ये तो कोई व्यक्ति मानेगा नहीं, है ना, वहाँ तो लाल मिर्च से ही महाराज को लगा कि वो ज्ञानी नहीं हो सकते, पर ये इसके बारे में इतना महाराज को हुआ कि वो जीवन मुक्त है। तो महाराज ने सहज ही सुना दिया, मित्र महाराज मतलब मित्रवती मानते थे, हालांकि जस्वामी गुरु मानते थे महाराज को, और फिर ऐसे हुआ कि जस स्वामी का धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज के पास वो जाते थे, और कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज भी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, तो दोनों रहे होंगे, और प्रसंग में जस स्वामी ने, जस स्वामी नहीं थे वो तो उस समय विपिन चंद्र थे, तो विपिन चंद्र जी ने उनको बताया कि महाराज ऐसे एक जीवन मुक्त का वर्णन कर रहे थे जो मछली खाता है। तो ये प्रसंग सुन के महाराज जी कहते हैं कि जो स्वामी ने मतलब विपिन चंद्र जी ने लौट के महाराज को बताया होगा कि दोनों बड़े हंसे, हंसे मतलब ऐसे कोई जीवन मुक्त थोड़ी होता है, जैसे महाराज जी को लगा कि भाई वो मिर्च खाने वाला जीवन मुक्त नहीं हो सकता, तो इन दोनों ने भी हंसी उड़ाई महाराज जी की कि ऐसे कोई जीवन मुक्त थोड़ी होता है मछली खाने वाला। तो फिर जस विपिन चंद्र आके महाराज जी को सुनाया होगा कि बड़ी हंसी कर रहे थे आपकी, ऐसे जीवन मुक्त कोई, कहने का मतलब ये है कि मान्यताएं जो है बड़ी विचित्र है। अब देखिए महाराष्ट्र की तो मान्यता अच्युत मुनि के बारे में कट गई है ना, पर अब इन महापुरुषों की मान्यता बनी हुई है कि भाई मछली खाने वाला तो बनी नहीं, हो ही नहीं सकता है ना। तो महाराष्ट्र का कहना है कि भाई ऐसा है कि खाने वाले तो अब जैसे है ना, जिनका आहार ये है ना, वो लोग भी तो संत होते हैं, जैसे ईसाई वगैरह मुसलमानों में बहुत उच्च कोटि के संत हुए, उनका तो खान पान वैसा ही होता है। ये बड़ा महर्षि का यह भाव ये है कि आपको कैसे बतावें हम बचपन में क्या क्या मानते थे और वे मान्यताएं कैसे कैसे मिटती गई।
तो ये पूरा का पूरा महर्षि ने कठोपनिषद में सुनाया है और बोले कि आपको भी हंसना हो तो हंस लेना। उन्होंने भी हमारी हंसी उड़ाई है ना कि भाई मछली खाने वाला कैसे, तो बोले हमको उसमें कोई परहेज नहीं है पर क्योंकि भाई अब वो आपकी मान्यता है आपके बड़ी विचित्र है। तो इसलिए आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको सिखा रहे हैं कि भाई इस पर बात पे ध्यान तो दो कि कितना हमने जब हम अपनी मान्यताओं के इतिहास पर ध्यान देते हैं है ना तब सब बातें सामने आती हैं। तो ये तो हमने महर्षि के कुछ संस्मरण सुनाए पर ऐसे ही हम अपनी मान्यताओं का इतिहास पर जब ध्यान देंगे, आप पहुँचे घेराम जी के पास है ना कि भाई ये तो हम नहीं कर सकते, तो उन्होंने समझाया कि भाई देखो ये तो बिजनेस है इसमें इसे करना पड़ता है ना, तो मान्यता कट गई। तो हमको भी अपनी मान्यताओं के इतिहास पर जब ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। क्या आप कभी ध्यान देना, जिस समय आपने जो मान्यता मानी या बनाई उस समय आप उसमें इतने तन्मय हो गए कि यही ठीक है और सब गलत है। वो तो ठीक है घेराम जी के समझाने से आप समझ गए, बाकी कोई दूसरा होता तो बोले कि नहीं नहीं हम तो ऐसे करेंगे नहीं, इसमें हमको करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है इस बिजनेस में है ना, ये लाइन ही बिल्कुल ख़राब है। तो ऐसे थोड़ी है, उन्होंने समझाया कि भाई ये शास्त्र में इसके लिए सम्मति है, महाराज से भी समझाते हैं। एक ने कहा ना कि महाराज इसमें झूठ बोलना पड़ता है और क्या करे, बहुत बढ़िया जवाब दिया महाराज से। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम कहते हो काम करने में व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, तो अब वो जितना तुम्हारा काम का बिजनेस का समय है उतना छोड़ के बाकी समय में झूठ मत बोला। तो महात्मा लोगों के पास तो एक एक सूत्र है ना, व्यक्ति जो है वहाँ झूठ बोलता है फिर उसको 24 घंटे अपना उसी में लगा रहा है ना, उसका स्वभाव बन जाता है, तो वो गलत है। तो कह रहे हैं कि ये मान्यताएं जो हैं आप कभी ध्यान देना कि जिस समय आपने जो मान्यता मानी या बनाई उस समय आप उसमें इतने तन्मय हो गए कि यही ठीक है और सब गलत है। वो किरीट भाई का मैं कितनी बार दृष्टांत देता हूँ, सुरेंद्र भाई के भाई है ना, तो देखिए अब उनका वो जो मान्यता उनकी बनी उसमें लगे रहे, लोगों ने कहा भी समझाया भी नहीं समझे, अब जो उनकी मान्यता है तो उससे वो सब पुरानी सब कट गई है ना, अब बिल्कुल भजन, अब उनको कहे भी कि भाई भजन आप छोड़ो तो नहीं छोड़ेंगे। एक महात्मा थे तो उनको पूछा गया कि आपको आपके बारे में हमने सुना है कि आप राजा थे पहले, अच्छा सन्यासी बनने के पहले, हाँ तो बोले हाँ आपने ठीक सुना। बोले कि आपकी रानी भी बड़ी मतलब आपके अनुकूल थी और बड़ा मतलब आप बड़ा वैभव संपन्न थे, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। बोले कि तो हाँ बात सच्ची है। तो बोले कि इस प्रकार के जीवन के लिए तो हम तरसते रहते हैं है ना, तो आप जो है महात्मा बन गए सब छोड़ के, तो इसमें क्या कारण बना। तो महात्मा ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बोले कि देखो ये जो मन है ना ये बिना प्रेम के रह नहीं सकता, बिना आनंद के बिना रस के ये रह नहीं सकता, और हमको ठाकुर जी में इतना रस आ गया इतना प्रेम आ गया कि अब हमसे रहा ही नहीं गया, अब राजा रानी क्या करें महात्मा बन गए। तो क्योंकि वो प्रश्नकर्ता ने ये पूछा कि भाई इस प्रकार के जीवन के लिए तो हम तरसते हैं है ना, कि इतना वैभव है इतना सब आनंद है सब अनुकूल है और आपने वो सब छोड़ के और आप महात्मा बन गए। तो उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया। तो बोले मान्यता देखो कैसे कटती है, तो अब ये समझ रहा है कि भाई ये जो वैभव है वही सब कुछ है, हाँ अब जब उसको पता लगे कि ये भाई ये प्रेम हो जाए ठाकुर जी का तब तो फिर ये भी कट जाता है। तो जब हम अपनी मान्यताओं के इतिहास पर ध्यान देते हैं तब सब बातें सामने आती हैं है ना। अभी आप देखेंगे ओंकारानंद जी ने जब लगा दिया आपको इधर है ना, तो उसके पहले तो आपके हृदय में ही आया कि भाई है ना महाराष्ट्र के समय की चले रविवार को पहुँचे तो वहाँ वो मान्यता आपकी नहीं बनने दी महाराष्ट्र ने कि नहीं अभी जो है समय निर्धारित अंश को पूरा करना है, जो जिसके लिए शरीर आया है उस कार्य को पूरा करना है। अब जब वो निर्धारित अंश पूरा हुआ तो अब धीरे धीरे इधर लगाना है, तो ओंकारानंद जी ने लगाया। अब जब लगाया तो अब मान्यताएं कटती गई पुरानी। तो जिस समय आपने जो मान्यता मानी या बनाई उस समय आप उसमें इतने तन्मय हो गए
कि यही ठीक है और सब गलत है ना। जब आपने अभी अब महर्षि स्वयं दृष्टांत दे के बताने जा रहे हैं, तो इसमें महर्षि का कहना इतना ही है कि वो गलत है। उस समय आप इतने तन्मय होगे कि यही ठीक है और सब गलत है, तो ये जो वाक्य है ना, वो उसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे जब आपने किसी पर गुस्सा किया तब सोचा कि इसको दंड देना ही उचित है ना। तो जब आपने किसी से प्यार किया तब सोचा कि यही सर्वस्व है, इसके लिए हम मर जाएंगे। तो दोनों बातें बता रहे हैं, गुस्से वाली बात भी, क्रोध का भी बता रहे हैं, प्रेम का भी बता रहे हैं, और दोनों में लगता है कि हम सही हैं। तो वहाँ पर ये जो तन्मयता और तन्मयता के कारण ये मन में विचार आना कि यही ठीक है और सब गलत है, तो इसको ऊपर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है शांति से। क्यों? आपके जीवन में ऐसी ऐसी मनोवृत्तियाँ आई हैं या नहीं? ये जैसे गुस्से वाला और ये प्यार वाला दो दृष्टांत महर्षि ने दिया, तो महर्षि कह रहे हैं कि ये या इसी से मिलती जुलती जो मनोवृत्तियाँ हैं, जहाँ आपको लगा है कि भाई मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले हुआ है, पक्का हुआ है। जिससे दुश्मनी हुई वही बाद में दोस्त हो गया। अब महर्षि समझा रहे हैं कि देखो वो क्या रहा है, जब तुम्हारी दुश्मनी हुई तब तुमने सोचा ही नहीं होगा कि भाई अब ये हमारा दोस्त भी हो जाएगा, है ना, और वही बाद में दोस्त हो गया। अच्छा, तो जब आपने क्रोध किया तब कहा कि यही उचित है, जब आपने राग किया तब कहा कि यही उचित है, ऊपर की दोनों बातें फिर दोहरा रहे महर्षि, तो आपकी मान्यताओं का ऐसा इतिहास है कि नहीं क्या, कि अब ये बदल सकता है कि नहीं? जिससे क्रोध करके और कह रहे भाई अब हमको आपसे मिलना ही नहीं है ना, तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखना है, तो अब जिससे दुश्मनी हुई वो बाद में दोस्त हो गया, तो इसका अर्थ है कि भाई इस समय जिससे क्रोध कर रहे हो तो ये क्यों मन में ऐसा सोच रहे हो कि अब इससे हमारा कोई संबंध है ही नहीं, इस जीवन में कोई संबंध नहीं? क्यों? क्योंकि आपकी मान्यताओं का ऐसे इतिहास है कि नहीं कि वो बाद में बदल जाता है? तो यह मैं आपकी दिल की बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोले आप बिल्कुल हमारे दिल की बात बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि राग वाला भी गड़बड़ा जाता है ना, जिससे राग किया, आप तो हमारे सामने बैठे हैं, तो बिल्कुल ही मतलब हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इस समय आपका जो राग है अथवा जो द्वेष है, उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल परिपक्व एवं पूर्ण ज्ञान के आधार पर आपका वह राग अथवा आपका वह द्वेष है? मुख्य बात महाराज को ये बतानी है। जीवन मुक्ति विवेक पर बोल रहे हैं ना, तो जीवन मुक्ति विवेक में ये बताया जा रहा है कि जो असली वस्तु है वो परमात्मा है, आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा जो है, उसका जो हमको अनुभव हो जाएगा कि वही मेरा स्वरूप है, तो उसको कहते हैं बिल्कुल परिपक्व एवं पूर्ण ज्ञान। तो उसके आधार पर तो ये हो नहीं रहा है, जो भी हम लोगों की मनोवृत्तियाँ बन रही हैं, मान्यताएँ बन रही हैं, वो उसके आधार पर थोड़ी बन रही है, क्योंकि वो तो हमको पता ही नहीं है ना। वो तो जो ज्ञानी है उनको वो परिपक्व पूर्ण ज्ञान है, हम तो उसकी साधना कर रहे हैं, उसके मार्ग में लगे हुए हैं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि इस समय आपका जो राग है अथवा जो द्वेष है, उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल परिपक्व एवं पूर्ण ज्ञान के आधार पर आपका वह राग अथवा आपका वह द्वेष है? क्या आप कह सकते हैं कि आपकी वह मान्यता कभी नहीं बदलेगी? आज भी आप गलत हो सकते हैं जैसे 10 वर्ष पहले गलत थे। तो 10 वर्ष पहले वाली मान्यता तो आपकी बदल गई और आप उसके बारे में समझ गए कि भाई मैं गलत था, है ना, अब मैं ठीक हूँ। अब आप जो कह रहे हो कि अब मैं ठीक हूँ, क्या ये 100% हो गया क्या? अब ये नहीं बदलेगा क्या? बोले वो भी बदलेगा, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि आज भी आप गलत हो सकते हैं। आज कैसे गलत हो सकते हैं महाराज, अब तो हम सत्संग कर रहे हैं और सत्संग तो अब तो हम बिल्कुल गलत नहीं, अब तो गोपालगढ़ तो अब जिंदगी भर आना है। नहीं, गोपालगढ़ तभी तक आना है, नाव पकड़ी जाती है नदी पार करने के लिए। अब वो नाव इतनी बढ़िया लगी, है ना, अब जब नदी पार हो गई और अब आगे का काम करना है, उतर के नाव से और आगे जाना है मंदिर में, तो बोले नहीं नहीं नाव हमको इतनी बढ़िया लगी है, अब हम इसको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। मान्यता गलत हो गई ना, क्योंकि ये तो गोपालगढ़ का जो सत्संग है वो तो एक नाव है,
उसमें हमको करना क्या है, महर्षि जीवन मुक्ति विवेक में समझा रहे हैं कि हमको पहुंचना है बिल्कुल परिपक्व एवं पूर्ण ज्ञान, वो हमारा अनुभव हो जाए। वो जब अनुभव हो जाएगा तो सत्संग का भी प्रयोजन पूरा हो गया। तो इसलिए ये मान्यता जो बना ली है ना रचना ने कि भाई अब जो है गोपालगढ़ जाए बिना पूरा मूड खराब हो जाता है, तो वो तो अब श्याम जी की स्थिति आ जाएगी तो इसका भी मूड खराब नहीं होगा। ये तो बहुत पुराने हैं ना, महाराज ने कहा ना अपने मित्र के साथ जा रहे थे वहाँ गंगा जी के पार गए, फिर वो बेहोश हो गए। उसमें महाराज ने कहा है कि भाई उनमें ज़्यादा थी है ना भगवत प्राप्ति की, और हम में क्योंकि हम पहले से लगे हुए थे इसलिए हमारे में उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो भेद तो रहता ही है ना, तो वो जो भेद रहता है तो उसमें इनकी स्थिति समझनी चाहिए है ना कि कितनी ऊंची स्थिति है। तो परिपक्व और पूर्ण ज्ञान जो है, यानी तुलनात्मक में कह रहा हूँ, तुलनात्मक तो होता ही है। अब जैसे हम हैं और समझो कि और कोई आते हैं हमारे पास है ना, जैसे कमल आता है तो उनसे तो हम आगे ही है ना, तभी तो वो सीखने आ रहा है, नहीं तो काहे को दिल्ली से आएगा। तो इसी प्रकार तुलनात्मक तो होता ही है। अब उससे ये थोड़ी हो गया कि भाई आप तो महर्षि से भी आगे बढ़ गए है ना, तो ये तो मूर्खता है ना। इसके आगे मतलब अध्यात्म में तो मान ही सकते हैं ना, बाकी तो व्यवहार में तो महामूर्खता है, वो तो मैं भी समझता हूँ। क्योंकि आप ब्रजवासी है, वो अहमदाबादी है, बहुत फर्क है, ब्रजवासी लोग सरल होते हैं। तो आज भी आप गलत हो सकते हैं। तो महर्षि को बस बताना इतना ही है कि आज जो आप मान्यता बना के बैठे हो उस पर भी मतलब हाँ कोई मतलब उस पर आग्रह करने की जरूरत नहीं है। जैसे 10 वर्ष पहले गलत थे वैसे आज भी गलत हो सकते हैं। इसलिए महर्षि ने सूत्र दे दिया कि हमेशा पता ये लगाना है कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बिल्कुल परिपक्व एवं पूर्ण ज्ञान के आधार पर है ना, वो हमारा राग अथवा द्वेष है क्या। तो वहाँ परिपक्व पूर्ण ज्ञान के आधार पर तो राग और द्वेष का सफाया हो जाएगा है ना। अभी हम लोग नवंबर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो वहाँ जो रिकॉर्डिंग के लिए लेना है वो 3 नवंबर का, यानी नवंबर में पहला पृष्ठ 3 नवंबर का ही है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो उसमें महाराज ने बताया है राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ती है, तो उसमें समझाया है। तो ये राग द्वेष जो है वहाँ तो परिपूर्ण ज्ञान में उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसलिए राग द्वेष का होना ही दिखा रहा है कि ये बदलेगा, ये हमारा जो है अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। जब तक राग द्वेष बने हुए हैं वो एक कसौटी है कि अभी हमारा अज्ञान बना हुआ है। तो इसलिए वो आज भी आप गलत हो सकते हैं जैसे 10 वर्ष पहले गलत थे, सीधी बात है। अच्छा अब कह रहे हैं कि जैसे पहले हमने अपनी मान्यता के कारण राग अथवा द्वेष करके पश्चाताप किया, सही बात है ना, वैसे आज का राग द्वेष भी हमको आगे पश्चाताप नहीं देगा, इसका क्या प्रमाण है। तो वो जो राग है जो हमने किया वो हमको पश्चाताप दे रहा है, क्योंकि जिससे राग किया जिस पर पूरा भरोसा किया तो बिल्कुल बेवफा निकला। अच्छा द्वेष का, तो बोले जिससे द्वेष किया तो हमारी गलतफहमी थी है ना, वो तो बहुत ही अच्छा आदमी था, अब तो हम बिल्कुल उसके मित्र हैं। तो दोनों जो हैं वो बदल गए और अब हमको उसका पश्चाताप हो रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि आज का जो राग द्वेष है ना उसके बारे में इतने दृढ़ कैसे हैं, ये जो है वो 100% है। भोला शंकर मुकिम जी एक बार आए थे जब हम उस कमरे में थे तो किसी बात विशेष को लेकर कह रहे थे कि है ना पहले मैं ऐसा सोचता था और अब जो है ये 100% ये बात है। तब मुझको उसे उनको समझाना पड़ा कि पहले वाली बात कट गई ना, अब वो तो 100% नहीं रही, उस समय जब आप सोचते थे तो उसको 100% ही मानते थे। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि ये 100% है, अब जो है उसी को महर्षि समझा रहे हैं कि जैसे पहले हमने अपनी मान्यता के कारण राग अथवा द्वेष करके पश्चाताप किया वैसे आज का राग द्वेष भी हमको आगे पश्चाताप नहीं देगा, इसका क्या प्रमाण है। वो अवश्य देगा है ना, क्यों, क्योंकि जब तक हम उस पूर्णता पे है ना पूर्ण ज्ञान के ऊपर नहीं पहुँचेंगे तब तक बस इतना ही कह सकते हैं कि पहले राग द्वेष दृढ़ थे अब जो है
उतने दृढ़ नहीं है अब सत्संग के कारण, है ना, जल्दी मिट जाते हैं। इसलिए महात्मा लोग समझाते हैं ना, पत्थर की लकीर, बालू की लकीर और पानी की लकीर, है ना। पत्थर की लकीर वाले बहुत अत्यंत दृढ़ राग द्वेष, यानी जो है पिता कहता है कि देखो इसका ध्यान रखना है, ये जो है बिल्कुल दुश्मन है, यानी अगली पीढ़ी में भी वो उसका संस्कार देके जा रहा है, इतनी पत्थर की लकीर। और जो बालू की लकीर है तो बालू में हमने कुछ बना दिया लकीर से, अब वो रहेगा बालू की लकीर जब तक वो कोई हवा नहीं आई या कुछ नहीं हुआ, तो हमने जो भी बनाया वो रहेगा, अगले दिन जाएंगे तब भी रहेगा। पर समझो कि हवा चल गई तो ये हवा क्या है। जैसे ही हमको ये ज्ञान का, सत्संग का, है ना, वो मिलता है, डोज मिलती है, तो बालू की लकीर ख़त्म हो जाती है। तो वही महाराष्ट्र यहाँ समझा रहे हैं कि वो पश्चाताप दिया, तो अब ये पश्चाताप नहीं देगा, इसका क्या प्रमाण है। तो बोले इसका प्रमाण इतना ही है कि महात्माओं के जो है राग द्वेष वो क्या है, बोले पानी की लकीर। पानी की लकीर, पानी की लकीर यानी बना के आप आगे बढ़ो तब तक वो मिट गई, जो 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 बनाई थी वो मिट गई उसी वक्त उसी क्षण। तो इसलिए वो पानी की लकीर की जब तक स्थिति नहीं आती, क्योंकि वो भी रहते तो हैं व्यवहार में, तो व्यवहार में हम देखते हैं भाई इसे राग कर रहे हैं, है ना, ये सत्संगी है, इसको तो बड़ा बड़ा प्रेम दे रहे हैं, बड़ा प्रसाद भी स्पेशल देते हैं। तो खैर महात्मा लोग तो ऐसा स्पेशल प्रसाद नहीं देते हैं, है ना, जो पहुँचे हुए महात्मा है ना। पर शुरू शुरू में करना पड़ता है, जैसे महाराज ने उनको पूरा का पूरा डब्बा दे दिया, है ना, बोले कि ये बच्चे को आपने पूरा डब्बा दे दिया, बोले अभी उसको भगत बनाना है। तो वो सब लीला करते हैं महात्मा लोग भी। पर बाकी क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई उनमें भेदभाव है कि इसको ज़्यादा इसको कम, पर वो उसमें भी उनका मतलब वो रहता है। हम लोग देखते हैं कि भाई इनमें राग द्वेष है, पर उनमें राग द्वेष नहीं होता है, वो तो एक हाँ पानी की लकीर क्या, वो तो एक उनके कल्याण के लिए, सामने वालों के किसमें किसका कल्याण होगा वो तो महात्मा ही जानते हैं ना। एक को महात्मा प्यार कर रहे हैं और एक जो है दूसरा भगत वो कह रहा है कि बिल्कुल हमारी ओर देखते ही नहीं। तो जो जानकार है और वो अगर जान रहा है कि वो महात्मा पहुँचे हुए हैं, तो वो उसको समझाएगा कि भाई तेरा जो कल्याण है वो तेरी जो उपेक्षा कर रहे हैं उसी से होगा, और उसका जो कल्याण है उसको प्रेम की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए उसका कल्याण प्रेम करने से ही होगा। तो महात्माओं के किस दृष्टि से क्या करते हैं वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, वो तो जो पहुँचे हुए लोग हैं वही समझा सकते हैं। तो इसलिए लीला उनकी समझना बहुत कठिन है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, नारद जी कह रहे हैं महात्माओं का होना ही दुर्लभ है, मिलना ही दुर्लभ है। महात्मा कहाँ मिल रहे हैं, महाराष्ट्र के बाद आगे पूर्ण विराम, मानो कि पूर्ण विराम ही लग गया ना, किसी के नाम लेके नहीं कह सकते कि भाई है ना, हाँ अच्छे साधक रहे, बहुत अच्छे है ना, बहुत संभाला सब भक्तों को, और ये सब बातें कर सकते हैं, पर उनका ज्ञान, उनकी भक्ति, उनका जो है ना क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का आगे नाम ही नहीं ले रहे, नहीं ले सकते। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि नारद जी कहते हैं महत संगस्तु दुर्लभ है, दुर्लभ हो, दुर्लभ है मतलब बहुत ही दुर्लभ है। कभी कभी ये महापुरुष लोग आते हैं, साईं, उड़िया बाबा, महाराष्ट्री, और लाखों का करोड़ों का उपकार करके चले जाते हैं। और देखिए आज 30 साल होने जा रहे हैं, आज भी उपकार हो रहा है उनके द्वारा। और फिर आगे क्या बताया, अगम्य, दुर्लभ भी है, चलो दुर्लभ नहीं है, समझो किसी ने कहा कि है ये महापुरुष इनको मिल लो, हम भले उनको ले गए वो नहीं समझ पाएगा, अगम्य ये है ना, लाल मिर्च खा रहे काहे के महात्मा है ना, अगम्य, अगम्य मतलब नहीं नहीं समझ पाएंगे, हम अपनी मान्यता बना के बैठे हैं, आज का पृष्ठ यही है, तो उस मान्यता के कारण हम वो जो सामने वाला हमको जो ले गया है उसकी तो 100% श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा बनी ही नहीं है ना। ब्रह्मानंद जी बेचारे उन्हीं गोंदावली महाराज के पास है ना, दूसरी बार जब पहुँचे, दूसरी बार या तीसरी बार, तब जाके उनकी श्रद्धा बनी। तो कहने का मतलब यह है कि अगम्य है, उनको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने अपनी मान्यता बना रखी है ना। अब वो उनको लगा कि ये गोंदावली जी महाराज जी है ना, लुगाया पताया माताएँ उन्हीं के साथ गप लगाते रहते, ये काहे के विद्वान है, स्वयं ब्रह्मानंद जी बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको नहीं नहीं बनी श्रद्धा। फिर बाद में जिस समय श्रद्धा बनी तब जाके फूट फूट कर रोने लगे चरणों में पड़ के, और जब थोड़ा स्वस्थ हुए तो महात्मा जी ने पूछा कि बेटा क्या चाहते हो, है ना, बोले बस ये हमारी बुद्धि आप ले लीजिए,
ये बुद्धि जो है यही आड़े आ रही है, क्योंकि ये मान्यता बना देती है कि कोई न कोई अपने बीच में रख देती है कि ये महात्मा है ये महात्मा नहीं है। तो प्रभु जी महर्षि यहाँ समझा रहे हैं, वहाँ उन्होंने कहा है कि दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, ये पहली बात तो दुर्लभ है, दूसरा उनको समझना मुश्किल है कौन महात्मा है कौन महात्मा नहीं है, और अगर हो गया उनका दर्शन, अगर उनके संसर्ग में आ गए तो फिर अमोघ है, अमोघ यानी उनका जो दर्शन है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो अपना काम करेगा ही, वो व्यक्ति जो है अब छूट नहीं सकता। तो बस वो जैसे राजा रानी का मैंने बताया ना कि भाई आप तो इतने वैभव में थे है ना, हम तो ऐसे जीवन के लिए तरसते हैं और आपने छोड़ क्यों दिया, आप महात्मा बन गए। बोले कि बस यही है, ये जो ठाकुर जी से प्रेम हो गया बस उसके बाद तो हमसे राह ही नहीं गया, तो जो राह नहीं गया तो उनको विवश होकर महात्मा बनना ही पड़ा, तो वो विवशता हो जाती है। तो कहने का मतलब अमोघ है इनका जो दर्शन है ना, वो व्यक्ति को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी में कहते हैं, पूरा परिवर्तन कर देता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। कहाँ हम डॉक्टरी कर रहे थे अपना, इंग्लैंड में पढ़े थे उसके पहले है ना, अपना कर रहे थे जो भी समझ में आता था सब यही लोफर गिरी, और कहाँ ठाकुर जी की जब कृपा हुई पूरा का पूरा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में 180 डिग्री, 180 डिग्री में तो जा रहे थे पूरब में और मुड़ के आ गए पश्चिम में, यानी दिशा कोई और ही थी और बिल्कुल उल्टा हो गया। तो व्यक्ति बिल्कुल बहिर्मुखी व्यक्ति, वाल्मीकि डाकू है ना, वो वाल्मीकि है ना, कितने बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, कहाँ डाकू और कहाँ है ना वाल्मीकि रामायण लिखने वाले महात्मा। तो ये जो देखा जाता है जीवन में परिवर्तन, ये अमोघश्च नारद जी कहते हैं कि संतों का जो संग होता है, उनका जो दर्शन हमें प्राप्त होता है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो अमोघ होता है। तो यहाँ तक लिखा है कि भाभियाँ जो थी जड़ भरत की, तो जड़ भरत को जानती नहीं थी और बड़ी उसकी उपेक्षा करती थी, जला जैसा भी जो है बचा हुआ भोजन वैसा दे देती थी खा ले है ना, क्योंकि उनके तो माँ बाप तो थे नहीं और बेचारे रहते थे, तो वो तो इतने प्रेम से पाते थे जो भी भाभियाँ देती थी, भाभियों को समझ में नहीं आवे कि ये जला भुना ये खा के कैसे मोटा होता जा रहा है। तो वहाँ बंशीधर जी ने लिखा है कि वो जो भी जिस भाव से पाते थे वो अमृत बन जाता था, तो उससे वो मोटे हो रहे थे। पर वो बात मुझे दूसरी सुनानी थी, वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त बात लिखी है बंशीधर जी ने कि वो भाभियाँ जो कि इतनी उपेक्षा इतना तिरस्कार इतना अनादर करती थी, उनका भी कल्याण हो रहा था। उनका कैसे कल्याण हो रहा था, उनको तो मतलब शाप लगना चाहिए, वो तो उनके साथ है ना गलत व्यवहार कर रही थी। बोले नहीं, उनको जो उनका दर्शन प्राप्त हो रहा था है ना, वो संत थे जड़ भरत, भले इनको नहीं पता था पर वो चूँकि उनके घर में रहते थे है ना, जड़ भरत जब तक घर नहीं छोड़ा तब तक घर में रहते थे, तो उनको दर्शन तो मिलता ही मिलता था। तो ये थोड़ी कि भाई ये महात्मा है और हम इनका दर्शन कर रहे हैं, पर वो दिखते थे ना, दृष्टि तो जाती थी ना, तो वो दर्शन के कारण इनका कल्याण हो रहा। भाभियों का जो कि बिल्कुल उनके विरोधी थी जड़ भरत की, उनका कल्याण हो रहा था अमोघ का। इससे और बड़ी व्याख्या क्या हो सकती है, जो नारद जी कह रहे हैं कि संत का दर्शन अमोघ है, यानी उन भाभियों का भी कल्याण हुआ। तभी तो विरोचन को कहा ना बड़े बूढ़ों ने कि अब तुम बदला लो। बोले मैं कैसे बदला लूँ भगवान का, बोले डरो मत, प्रहलाद जी को वरदान दे दिया कि अब किसी को ठाकुर जी मारेंगे नहीं तुम्हारे वंश में। तो ऐसे ऐसे महात्माओं के ईश्वर का ईश्वर के ही रूप है ना संत, नित्य अवतार हैं संत, तो उनका जो दर्शन है वो अमोघ है। तो अमोघ होने के कारण ये जो व्यक्ति है इसका तो निश्चय ही कल्याण होना। हम परम पूज्य महाराषि के वो हमारे जो हैं, आप तो उनको मिले जो शुरू में हमको प्रणाम वगैरह किए, तो वही हमारे पूर्वाश्रम के जो जीजा जी थे, उन्होंने कहा देखा हमारी रुचि, बोले कि महाराषि का चल रहा है, बम्बई में चल रहा था, हम तो इंग्लैंड से लौट के बम्बई में आए हुए थे, तो हमारी रुचि को देख के, जबकि उनको पता था कि हम स्वामी चिन्मयानंद जी को मतलब मानते हैं, तो फिर भी अपनी करुणा से कहा कि भाई है ना महात्मा तो ये है और आप जाओ उनका प्रवचन सुनो। उनकी जगह दूसरा होता तो खुद ले जाते कि भाई हमारे साथ चलना, पर वो चूँकि थोड़े व्यापारी आदमी है तो बोले कि आप चले जाना। हमने कहा कि हमारे मन में तो कुछ था नहीं जाने की,
कोई आवश्यकता भी नहीं लगी हमको, पर उनका अनादर नहीं होना चाहिए, तो हम गए। तो अमोघश्च की मैं बता रहा हूँ कि बस उनके दर्शन हुए हमको, महाराष्ट्र की दृष्टि अवश्य पड़ी होगी। तो हालांकि उस प्रथम जो दर्शन में न तो हमारी कोई श्रद्धा बनी, न कोई हमको ऐसा लगा कि जैसे हमारे शिव जी के भक्त हमारे ओंकारानंद जी को शिव जी ने स्वयं कहा कि मैं है ना तुमको गुरु रूप में वृंदावन में मिलूँगा। तो जैसे ही महाराज से मिले उनको तुरंत आभास हुआ कि है ना यही वही शिव जी ही इस रूप में है। और हमारे लिए तो चूंकि हम पहले से चिन्मयानंद जी के प्रति हमारे हृदय में है ना पूरी श्रद्धा और ये प्रकार का बन गया था, तो इसलिए और कुछ होना भी नहीं था, ठाकुर जी को कुछ करना भी नहीं था। पर वो अमोघश्च है, वो व्यर्थ नहीं हुआ, उनकी जो दृष्टि उनका जो दर्शन हमको प्राप्त हुआ है ना। फिर उसके बाद हम अपना इसमें लग गए, चिन्मया मिशन में, चिन्मया मिशन हॉस्पिटल में गए, 2 साल उसमें रहे है ना, फिर अपना सिद्धवाड़ी में करते रहे। पर कहने का मतलब वो हॉस्पिटल के बाद में जो यहाँ 6 महीने का रहा महाराष्ट्र का, तो वो 6 महीने का कैसे हुआ, वही अमोघ जो है, अमोघ यानी इनका दर्शन एक बार हो जाए, स्वयं साक्षात ईश्वर उस रूप में है ना। ऐसा नहीं है कि भाई चिन्मयानंद जी कुछ कम थे, है ना, को बड़े छोट कहत अपराध हो। तुलसीदास जी ने कहा कि बड़ा छोटा इसमें कोई नहीं होता, ये तो अपराध है कि किसी को हम बड़ा कहें किसी को छोटा कहें ना, सब एक ही हैं, सब ईश्वर के ही स्वरूप है। पर कौन किसका, माँ तो एक ही होती है ना, माताएँ तो अनेक होती हैं, देवियाँ तो अनेक होती हैं, तो माँ तो एक ही होती है ना, तो सदगुरु तो एक ही होंगे है ना। ऐसा थोड़ी कि वो भी सदगुरु है वो भी सदगुरु है। महाराज जी का देखिए कितने संतों को मिले, पावन प्रसंग पढ़िए, सदगुरु तो उड़िया बाबा ही उनके थे ना। तो अब हमको कहाँ पता था, हम तो चिन्मयानंद जी को मानते थे, पर सदगुरु जो है वो तो फिर महाराज जी। तो कहने का मतलब अमोघ ही होता है, इनका दर्शन कर लो तो फिर ईश्वर को पता है कि हमको किसको कहाँ जोड़ना है, है ना। देखिए मोनू को कहाँ जाके जोड़ा अब इतने बड़ी साई की परंपरा, इतनी बड़ी महाराष्ट्र की परंपरा, और वो बेचारा वहाँ, क्योंकि ये तो सब पहले से विधान होता है ना। अब ऐसा थोड़ी कि वो कुछ गलत कर रहा है, बल्कि हम लोगों से ज़्यादा भजन कर रहा है, हम लोगों से ज़्यादा उसका ज्ञान है ना। तो मुख्य बात तो यही है कि जुड़े कहीं से, पर जुड़े भगवान से, क्योंकि ठाकुर गुरु का सदगुरु का यही काम है कि वो अपने से नहीं जोड़ता है ना। वो तो जैसे गुरु जी ने, उनके गुरु जी ने उनको ठाकुर जी से जोड़ा, वैसे सदगुरु की इतनी भूमिका है। महाराष्ट्र ने एक पृष्ठ में बताया ना कि जब तक ईश्वर से शादी नहीं हो जाती तब तक बाप के घर में रहना है, बाप है गुरु और पति है ईश्वर, तो ये इनका काम है। तो अमोघश्च यानी इनका तो दर्शन होना ही अमोघ है। तो बात यहाँ चल रही थी कि जैसे पहले हमने अपनी मान्यता के कारण राग अथवा द्वेष करके पश्चाताप किया, वैसे आज का राग द्वेष भी हमको आगे पश्चाताप नहीं देगा, इसका क्या प्रमाण है। तो वो कहना कि भाई अब 100% में ये बात कह रहा हूँ है ना, ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी हमारा परिपक्व एवं पूर्ण ज्ञान नहीं है। अंत में महर्षि यही बात बताएंगे। सावधानी तो यही है कि जब आप अपनी वृत्ति की प्रवृत्तियों पर ध्यान देंगे, जब आप अपनी मान्यताओं का इतिहास देखेंगे, तब आपको इस समय जिस दल में आप शामिल हैं उसको शायद बदलना पड़े। तो इसलिए इसकी मन में तैयारी रहनी चाहिए। एक बहुत अंग्रेजी में बढ़िया वाक्य है, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमेशा आशा अच्छी रखनी चाहिए, पर ठाकुर जी का पता नहीं हमारा कौन सा कर्म है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है ना, कोई भी परिस्थिति आ सकती है जीवन में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इस वाक्य में भी महाराज यही कह रहे हैं क्या कि सावधानी तो यही है, ये सावधानी है क्या कि जब आप अपनी वृत्ति की प्रवृत्तियों पर ध्यान देंगे, तो वृत्ति की प्रवृत्तियों पर ध्यान देंगे मतलब देख रहे हैं कि वो भी था वो भी बदल गया, वो थी धारणा वो भी बदल गई, वो धारणा थी वो भी बदल गई। तो जब आप अपनी मान्यताओं का इतिहास देखेंगे है ना, जरा बैठ के शांति से, व्यक्ति को देखने के लिए समय नहीं है ना, पर वो अगर बैठ के शांति से थोड़ा विचार करे कि क्या क्या हमारी मान्यताएं थी, तब आपको इस समय जिस दल में आप शामिल हैं, बोले इस समय तो हम नरेंद्र मोदी को मानते हैं, बोले कि उसको भी शायद बदलना पड़े। अरे बोले वो कैसे बदलना पड़े, उससे तो कोई बड़ा है ही नहीं है ना, कोई पूरे विश्व में कोई नहीं
100% हमारी मान्यता है। तो बोले कि ये जो मान्यता है ये ममता का दल नहीं दलदल है, है ना। इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये ममता का दल जो है वो दल नहीं है, वो दलदल है। जब तक आप परिपक्व ज्ञान दृष्टि में जिससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है, जिससे विशाल और कोई दृष्टि नहीं है, जिसके परे और कोई अनुभव नहीं है, नहीं पहुंच जाते, तब तक आप अपनी ही मान्यता को कैसे ठीक बता सकते हैं, उसको दूसरों के सिर पर कैसे लाद सकते हैं। यानी ये जीवन मुक्ति विवेक जो है ये मतलब विद्यारण्य मुनि का एक जबरदस्त ग्रंथ है, और इसमें जीवन मुक्त मतलब वही स्वयं ईश्वर ही उस रूप में होता है जीवन मुक्त। तो वो कौन है जीवन मुक्त? जिसने नाम रूप को लेकर और अपनी मान्यता बनाना छोड़ दिया। नाम रूप को लेकर ही हमारी सब मान्यताएं हैं, और उसकी दृष्टि है ब्रह्म पे। तो ब्रह्म जो है, आत्मा जो है, परमात्मा जो है ना, उसे नाम रूप तो उसका खेल है ना। आज इस रूप में खेल रहा है ना, कल कुछ और ही खेल खेलेगा। तो इसलिए कहीं भी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मन का कोई भरोसा नहीं है। वो जो आलू की चोरी करी है ना, बोले कि तू 10,000 रुपये का थैला दे गया है ना, आलू की चोरी करी, बोले भाई मन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मान्यताएं, अपनी मान्यता को दूसरे के सिर पर नहीं ला देना चाहिए। मतलब परिपूर्ण ज्ञान हम ज्ञान की दृष्टि हमें प्राप्त हो, इसी में लगे रहना चाहिए। नारायण 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 नारायण।